हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। यानी प्रीवियस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट फॉर्म दिया हुआ था, हम लोगों ने उसे इक्वेशन में बदला। अब हमें इक्वेशन दिया हुआ है, उसे स्टेटमेंट में बदलना है। बड़ा सिंपल है, एक एक करके समझना आप लोग अच्छे से। पहला है आपके पास p+4 = 15। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब आपने P में 4 को जोड़ा तो आपको क्या मिला, 15 मिला। क्या मिला, 15। तो आप कैसे लिखोगे, तो लिखोगे आप लोग देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था उसके जैसा ही है ये, और कुछ अलग नहीं है। तो इसमें लिखना है आपको when, या मैं आपको सिंपली जो आपके बुकिश में लिखा रहता है उस लैंग्वेज में आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। सो बुकिश लैंग्वेज में आप इसे कैसे लिखोगे, लिखोगे एड 4 टू द नंबर पी गिव्स यू 15, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है आगे, तो आगे क्या लिखा हुआ है, गिव्स यू 15, ठीक है। यहां से ध्यान से देखो, ये काट दो, ये क्या लिखा हुआ है, एड 4 टू द नंबर पी, एड 4 टू द नंबर p गिव्स यू 15, गिव्स यू 15, ठीक है। अगला क्या है आपका, m-7 = 3। तो बुक्स के हिसाब से इसको आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 7 सबट्रैक फ्रॉम m गिव्स यू 3, गिव्स यू 3। जब आप m में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसे भी लिखा जा सकता है, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। या आपको 3 मिल रहा है, आप ये भी लिख सकते हैं। उतना ज्यादा बुक के हिसाब से भी नहीं देखना चाहिए आपको, बस फॉर्मेट में लिखना है। फिर अगला क्या है, 2m = 7, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 2 times of m = 7। यानी m का 2 गुना हमें क्या देता है, 7 देता है। m का 2 गुना हमें क्या देता है, 7 देता है। तो स्टार्टिंग के 3 हो गए, अब आगे हम चेक करें या आगे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो आगे है हमारा m/5 = 3। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 3। मैं अपनी तरफ से भी लिखवा रहा हूं आपको, उतना ज्यादा मैं बता बुक नहीं देखता। m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 3। जब m को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। अब इसे उतारो, आंसर वांसर मत देखो, बस लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, घबराओ मत, एक ही चीज होता है ये, ठीक है। उसके बाद है अगला आपके पास 3m/5 = 6। तो आप लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप 3/5 of m is 6। 3/5 का मतलब हो गया 3/5 of number m, ये हमें क्या देता है, 6 देता है। एक ही चीज है ना ये, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/5 of m is 6। यहां पर है m is divided by 5, 5 को आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में लिख देना लाइक ऐसे 5, ठीक है। अब आगे हम करें, ठीक है आगे देखते हैं। आगे है आपका 3p+4 = 25। इसे कैसे लिखोगे, तो इसे लिखोगे आप स्टेटमेंट फॉर्म में कि थ्री टाइम्स ऑफ पी इज एडेड बाय 4। अगर
थ्री टाइम्स ऑफ पी उसको किसके द्वारा ऐड किया जाए, उसके अंदर फोर को ऐड किया जाए, इज एडेड बाय फोर, ठीक है, गिव्स यू कितना मिला आपको 25, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे कि हाँ इसे आप ऐसे लिख सकते हो थ्री टाइम्स ऑफ पी प्लस थ्री टाइम्स ऑफ पी प्लस फोर इज 25। यहां पे दो स्टेटमेंट है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ये या ये, ठीक है। यहां पर एडिड बाय फोर का मतलब क्या है, प्लस फोर, बस एक ही चीज है। मैंने यहां एडिड बाय फोर लिख रखा है और इसमें प्लस फोर लिख रखा है, एक ही चीज है, ठीक है। तो आप कोई भी दो स्टेटमेंट इनमें से प्रिफर कर सकते हो, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि किसको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, वो ऐसे लिख सकता है, और कोई खास बात इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ठीक है। अब अगला क्या है आपके पास, 4p-2, तो इसे तो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। 4p-2 = 18, क्या होगा, तो लिखोगे 4 times of p subtract ये r है, subtract 2 is 18। अगर मैं क्या करूं 4 times of p में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं 2, तो हमें क्या मिलेगा 18, क्या मिलेगा 18, ठीक है। या आप ऐसे इसे लिख सकते हो कि टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p इज 18, इसे आप कैसे लिख सकते हो, टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p इज 18। आप दो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, टेक अवे टू का मतलब क्या है, दो को सब्ट्रैक्ट करो, किस में से 4 times of p में से, यानी 4 times of p में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 18 आएगा। तो कोई भी दोनों स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो अच्छा लग रहा है, जिससे समझ में आ रहा है, कोई भी दो स्टेटमेंट आप इनमें से कोई एक इस्तेमाल करो, ठीक है। अब अगला क्या है आपका, p by 2 plus 2 = 18, ये है आपका अगला क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना है, हमें स्टेटमेंट लिखना है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो गया एड टू टू दी वन हाल्फ ऑफ पी, एड टू टू दी वन हाल्फ ऑफ पी गिव्स यू 18, ठीक है। जब आप दो को जोड़ोगे वन हाफ ऑफ पी मतलब p को दो से डिवाइड कर दो, हाफ हुआ ना, अगर हम किसी को दो से डिवाइड कर देते इसका मतलब उसका आधा कर रहे हैं, तो वही लिखा है एड टू टू दी वन हाफ ऑफ पी गिव्स यू 18, वो आपको क्या देगा 18, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जहां हमें इक्वेशंस के स्टेटमेंट्स बनाने हैं और उसे सॉल्व करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सो बाय बाय गाइस।